बिसम के साथ में उफ्कार का आदमी और वही हुआ जिसका डर था इतहाबाद में सूरत हाल तस्दम की तरफ़ बढ़ रही है बहुत सी सियासी जमातें आमने सामने हैं तेरिकान साहब के मतद्द कारकुनों की इतवार के रोज़ गिरफ़्तारी और आज रहा और फिर कुछ मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी की इतलात हैं मुतद उम्मीदवारों के दफातर पर दस्ती बमों से हमले हो रहे हैं तो ये चल क्या रहा है हो क्या रहा है यह आपको बताएंगे कि सियासी पारा अचानक क्यों हाई हो गया है तो एन एक में क्या हुआ उसकी तफसी आपको बताएंगे इसके अलावा एक मारूफ टीवी एंकर और मॉर्निंग शो के मेजबान ने अपनी बीवी को तशद का निशाना बनाया और उसकी तफसी क्या है वो आपको बताएंगे एफ आई आर ने जिन सहाफियों को नोटिस जारी किया था उनके हवाले से भी बड़ी खबर इस प्रोग्राम में मौजूद है और आज फिर साइफर केस के दौरान अदालत में एक नया तमाशा लग गया उसकी तफसी आपको बताएंगे पाकिस्तान और ईरान में आज मुजाकरत हुए हैं ईरानी इस पाकिस्तान में मौजूद है और मुश्तर का डिकलेशन सामने आया है कि पाकिस्तान और ईरान को लड़ाने वाला और इन दोनों के मुल्कों में कार्रवाई करने वाला कोई तीसरा मुल्क है तो वो मुल्क कौन सा है और कौन से चार ममालिक ऐसे हैं जो कि अफ़ग़ानिस्तान जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं उसकी तफसत आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं फ़ौजी अदालतों में इस का ट्रायल करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज टूट गया जस्टिस सरदार तारक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया छह रुकनी बेंच था जो इस केस की समाप्त कर रहा था जस्टिस सरदार तारक मसूद इसकी सरबराही कर रहे थे और फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ इंटरकोर्ट कोर्ट अपीलों की समाप्त कर रहे थे जब समात शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा कि सबसे पहले हम बेंच पर एतराज़ा को सुनेंगे जवाज़ एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि बेंच की दोबारा तश्ल के लिए मामला जजस कमेटी को भेजा जाए हामिद ख़ान ने केस में दलाल देने की कोशिश की जिस पर जस्टिस तारक मसूर ने रिमार्कस दिए कि अब अगर हमने केस सुनना ही नहीं है तो फिर दलाइल ना दें हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है और ये एतराज़ सरदार तारक मसूद पर उठाया गया तो उन्होंने कहा कि के मैं केस से अलग हो रहा हूँ अदालत ने बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया अदालत ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लार्जर बेंच तश्कील दे और मिलिट्री कोर्ट के सिविल के ट्रायल जारी रखने का हुक्म इम्तना उसको अदालत ने बरकरार रखा है तो इसी तरह का एक और फैसला डिप्टी स्पीकर कासम सूरी और सबक स्पीकर असद कैसर के केस के हवाले के से सामने आया। इमरान खान ने अदालत में नजर सानी की दरखास्त वापस लेने की इस्तः की जिसके बाद असद कैसर के वकील नईम बुखारी से मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आप केस चलाना चाहते क्योंकि इस केस में अब आप अकेले रह गए हैं केस के दौरान रिमार्कस देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अख्तियार आम नहीं होते वो माज अफसरान नहीं होते तो जस्टिस मंसूर शाह ने दरियात किया कि वो कानून दिखा दे जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को अख्तियार दिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले खिलाफ असद कैसे की नजर सारी की दरखास्त खारिज कर दी और अदालत ने रिमार्कस दिए कि बानिए पी टी आई खिलाफ तहरीके पार्लियम नहीं कर सकती सवाल हो पार्लिमानी मामला देख सकती है तो यह वो केस था जिसमें सबक डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की जानब से उस वक्त के वजी यादम इमरान खान के खिलाफ लाई गई तहरीके अदमित मुस्तर करने की रूलिंग और की कौमी असम्बलीहलील करने के फैसले को गैर आयनी करार दिया गया था ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एक और हम केस में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने एफ आई ए की जानब से सफियों को जारी किए गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने से मतलब आज खुद नोटिस की समाप्त हुई जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस मुसरत हलाली अली बेंच का हिस्सा थे जस्टिस काजीफ आयिसा ने आला अदली के ख़िलाफ़ एफ आई ए की जानब से साफियों को भेजे गए नोटिस का नोटिस लिया था केस की समात के दौरान जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं तो जवाब मिला कि चार दरख्वास्तें मौजूद हैं तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफियों की नहीं जजिस की भी इजहार राय की आज़ादी होती है और आ... ये 2021 का एक केस है जिसे निपटाने की बजाय सर्द खाने में रख दिया गया चीफ जस्टिस ने कहा कि कई बार कह चुका हूँ कि माजी की गलतियों को कब तक दोहराएंगे हम गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं उन्होंने कहा कि मैं सब गलतियां अपने सर पर उठाऊं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी सलाह नहीं होगी तो तनकीद करेंगे तो मेरी सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद के बारे में जिन साफियों को नोटिस जारी किए गए हैं वो वापस लिए जाए चीफ जस्टिस ने अटारनी जनरल से मुकालमा करते हुए अहम रिमार्क देते हुए कहा कि जुडिशरी का, का, का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा फैसलों पर तनकीद साफी और आम शहरी भी कर सकते हैं नाजायज तनकीद की भी इजाजत होती है तो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तनकीद की बुनियाद पर दर्ज होने वाले मुकदमा फॉरी वापस लिए जाए जस्टिस मोहम्मद ने एक अहम बात की उन्होंने कहा कि जो कुछ यूट्यूब के में होता है वो वीडियो में नहीं होता तो अदालत ने हवाले के से हुआ उसमें साफी शफकत और आमरबीर पर चदाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट भी तलब कर ली और ये भी कहा कि बताया जाए कि इन मुकदमा में अब तक क्या पेशर हुई है तो आज को नोटिस की समाधान जो है वो मंगल को दोबारा होगी और रिहा कर दिया था उनको पुलिस ने एक और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया सनम जावेद को शादमान थाना जलाओ ग्राओ केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया है तो मारूफ साहमद ने इस पर इतराज़ किया है और यह कहा कि सनम जावेद को अगर दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे तो उनका फिर मरीम नवाज़ से मुकाबला कैसे होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी तो हामद मेर साहब को शायद अच्छी तरह इल्म है कि नहीं है लेकिन अभी तक पी टी आई ने सनम जवेद को पी टी आई की जानब से इस हल्के में उम्मीदवार नामज़द नहीं किया ना उनकी वेबसाइट पर सनम जवेद के हवाले से कोई अपडेट है ना कोई और और जरा कहते हैं के सरम जवेद को इलेक्शन लड़वाने के हक में नहीं है उनका ख्याल ये कि अगर पी टी आई जीती है तो उनको मखसूस नशस्तों पर मंतब कराया जाएगा लेकिन अब चूँकि मखसूस नश्तों वाला मामला भी हाथ से निकल चुका है पी टी आई के पास इंतवी निशान नहीं है उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सरम जावेद को अगर पार्लियामेंट में ले जाना है तो जाहिर है उसके लिए फिर उसे पी टी आई को नामजद करना पड़ेगा और फिर उसका मुकाबला मुस्लिम लीग उनकी सीनियर नायब सदर से है जिनकी अपने हल्के में बड़ी मज़बूत पोजिशन है तो हामद मीर की जो तो पहले सनम जावेद के बारे में अगर फ़ैसला तो कर ले तहरीक साहब के उसको इलेक्शन लड़ाना के लिए लड़ाना फिर उसके बारे में ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है और बुनियादी वजह इमरान खान से फिर जब इस्टेबलिशमेंट ने इमरान खान से बैकआउट किया तो ये चैनल इमरान खान के साथ खड़ा हुआ ये इसका मुख्त बैकग्राउंड है तफसीत बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है जिन लोगों ने कई साल अपने इलाकों में सिर्फ ए आर वे की नशियात देखी हैं और वजह सिर्फ ये थी कि बाकी चैनलों को इजाजत नहीं होती थी कि वो कैंट के या किसी और इलाके में वह अपनी नशियात को एयर कर सकें तो ए आर वाई का बड़ा बुनियादी रोल है इस कॉम की ये जो हमें आज हालत नज़र आती है या जो उनकी चीज़ें नज़र आती हैं तो इस तरह उनके एंकर्स भी बड़े कंट्रोवर्शल रहे हैं न्यूज़ एंकर हैं शफाक सती ये मॉर्निंग शो करते हैं और इनके बारे में ख़बर ये है कि इन्होंने अपनी अहलिया को बदतरीन तशद का निशाना बनाया है आ, इनकी एहलिया ने समाजी रबते की वेबसाइट एक्स पर यानी ट्विटर पर मुबैना तौर पर अपने शोर इशफाक सती के ख़िलाफ़ बदतरीन तद्द के इल्ज़ाम लगाए और अपनी तस्वीर और एफ़ आई आर की कापी पोस्ट कर दी है इशफाक सती मॉर्निंग शो बाबर सवेरा करते हैं और इनकी जो एहलिया है नोमिका उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पूरे जिसम अपनी पसलियों अपने जबड़े और अपने चेहरे पर मुतदद ज़ख्मों के साथ तकलीफ में ये लिख रही हूँ कि मेरे जिसम का हर हिस्सा बुरी तरह ज़ख़्मी है मुझे मेरे अपने शोर इसफ्फाक सती ने बदतरीन शद का निशाना बनाया मुझे आपके मदद और तावन की जरूरत है क्योंकि वो एक बासर आदमी है तो उन्होंने ये ट्वीट जो है वो किया और उसमें उन्होंने जब यह ट्वीट किया तो ज़ाहिर एक बड़ा रिएक्शन आया और कई लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया और कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि हमें एक और सारा इनाम नहीं चाहिए बहुत से वकला ने उनके साथ इजहार यकजहती भी किया है आ, लेकिन ये किसी एक एंकर के हवाले से आ, उस पर तद्द करना ये बड़ा ही गैर मुनासब रवैया है तो शवा सतीफ़ बज़ाहिर एक अच्छे और स्मार्ट साफ़ी नज़र आते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है आ, ऐसे लोगों को कि अपनी खासकर कर पर हाथ उठाना आ, या वैसे तो किसी में भी हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन ख़वान पर हाथ उठाना आ, ये बहुत ही एक कहते ना इंतहाई परले दर्जे किया घटियापन हो सकता है तो श्वाग सत्ती को चाहिए कि वो अगर उसने ये किया भी है तो माजत भी करे कॉम्पनसेट भी करे आ, वैसे तो लोग कहेंगे जिसको उसको उसके किए कि सज़ा मिलनी चाहिए ये बात लोग कहते हैं मियाँ बीवी का निजी मामला है लेकिन ये निजी मामला नहीं होता आ, किसी इंसान को इस तरह बदतरीन शद्द का निशाना बनाना और ये वो चैनल है जो रोज़ाना इमरान खान के आ, वोटर स्पोटर की वीडियोस दिखा दिखा के बताता है कि किस तरह आ, उन पर बदतरीन शद्द होता है खुद इनके अपने स्टाफ की हालत ये है और अभी तक शवा सती जो है वो एर वाई का हिस्सा है सलमान इकबाल साहब को चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो यकीनी तौर पर कार्रवाई करें क्योंकि ये मामला कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, संगीन मामला है तो अब मामला ये कि एंकर सोशल मीडिया एक्टिव ये सारे एक ही हुए इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला ना उसमें पता चला जी साफियों के नाम है लेकिन वो आ, जब देखा गया तो उसमें से कुछ तीस एक सहाफी निकले बाकी सोशल मीडिया के लोग एक्टिविस्ट और इस तरह के लोग इस तरह एंकर आ, और सहाफत ये थोड़ा अलग अलग एक आ, मामला है लेकिन चूँकि जो स्क्रीन पे बैठ के करंट अफेयर के प्रोग्राम करते हैं वो भी ख़ुद को साफी डिक्लेयर करते हैं और जो सेमी करंट अफेयर प्रोग्राम करते हैं जैसे ये बाहाभर सवेरा मॉर्निंग शो वो भी अपने आप को साफी डिक्लेयर करते हैं तो अब ऐसे साफ़ी जिनका जिनकी जिनके बारे में कहा जाए कि वो घटियापन में अपना कोई सानी नहीं रखते उनकी वैसे एक लंबी फहरिस्त है मुझे बताने की जरूरत नहीं है बहुत से लोग जानते हैं कि आ, कौन कौन से साफ़ी हैं जो रेटिंग के लिए बदजुबानी करते हैं और रियासत के ऊपर भी अटैक करते हैं और इदारों के ऊपर भी अटैक करते हैं और खुद जब उन पर सवाल उठाया जाता है तो वो आ, भाग जाते हैं या उस उनके दिफा में उनके ही कुलग्स आ जा जा जाते हैं तो ये सहाफत के अंदर एक बड़ा संगीन किस्म का सवाल नहीं, खड़ा हुआ है आ, अब कल एक और साहब जो कि खुद को साहबी कहते हैं चूंकि वो भी यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं एंकर भी रहे हैं उनका नाम है वजाद एस खान अच्छा मुझे तो ये खैर शुरू से बहुत घटिया आदमी लगता है लेकिन आ, कल तो उसने घटियापन की इंतहा कर दी ना आ, एक जलसे की वीडियो चाहे आपके बदतरीन मुखालफी क्यों ना हो आ, वो वीडियो किसी ने शेयर कर दी सोशल मीडिया के ऊपर तो उसने नीचे कमेंट लिख दिए और उस कमेंट में कहा कि सियालकोट ने हमें क्या दिया है सियालकोट वो शहर है जिसने हमें सिर्फ फुटबॉल और के सिवा कुछ नहीं दिया आ, की जंग में भी हमें सियालकोट को इंडिया के खिलाफ उनको दे देना चाहिए था ये पाकिस्तानी है यह पाकिस्तान लोग हैं ये अपने आप आप को पाकिस्तानी कहते हैं अपने को इमरान खान का चाहने वाला कहते हैं और ये इमरान खान के साथ मिलकर हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं कौन सी आजादी चाहते हैं ये पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं या पाकिस्तान से निजात चाहते हैं तो अपना को मुल्क बना लो भाई पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तानी कहलाना है या पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना है तो फिर इस किस्म की गंदी बेहुदा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है मैं वैसे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ लेकिन इसकी ज़ुबान और इसके रिमार्क सुनकर यानी हम इंडिया के आगे सियालकोट हार जाते हैं वो जगह है जहाँ पर हमारे सैकड़ों फ़ौजियों ने जाम शहादत नोश किया और उसकी हिफाजत की है और ये जो पैसठ की जंग थी उसमें सियालकोट का एक बहुत बड़ा किरदार है और पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा वाजिया बॉर्डर सियालकोट के करीब से गुजरता है और आप जाकर वह पूछे कितने लोगों ने फौजियों ने सिविलियन ने जाने दी है और ख़ते की और शहर की हिफाजत की है और महज एक जलसे की वजह से और महज इसलिए कि मुस्लिम नून का जलसा था और महज इसलिए कि वो इमरान खान के मुखालफ हैं आप ये कहेंजिए कि हमें हार देना चाहिए था ये बिल्कुल वही सोच है जो इमरान खान की सोच है हाँ सब के ऊपर जो हमारा इतराज़ है वो ये कि वो भी आ, उनकी भी ज़ुबान के ऊपर कोई उन्हें अबूर नहीं है और जब वो इस, इस किस्म की बातें करते हैं तो उनके ऊपर उनकी हब्बेबतनी के ऊपर हमें शक होता है वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाने चाहिए और पाकिस्तान खुदा सा नहीं बचेगा तो इस किस्म की बातें करने वाले फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस किस्म की सोच है अब वो ये इलेक्शन हो रहा है 2024 का और इनको याद आ रहा है जी बांग्लादेश कैसे लैदा हो गया था और हमारे साथ क्या हो रहा है यानी आप पाकिस्तान से बाहर हैं कल पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली गई हैं और किसी किसी जगह पे गिरफ्तारियां हुई हैं कोई शक नहीं पुलिस ने रोका है आ, नहीं रोकना चाहिए था लेकिन अब चूँकि वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस जब इमरान खान के हाथ में लाठी थी ये काम वो भी करते थे उन्होंने अपने दौर में अपने मुखालफी को जीने नहीं दिया किसी से हार नहीं मिलाया किसी से बात नहीं की सियासत को सियासी लोगों के साथ उन्होंने गुफ्त व ही नहीं की और आम आदमी को तो उन्होंने बिल्कुल ही पीस के रख दिया तो डंडा तो उन्होंने भी उठाया हुआ था तो आज जो उन्होंने किया आज उनके साथ हो रहा है आ, कल वो फिर हुकूमत में आ जाएंगे कल वो अपने मुखालफिन के साथ ये कुछ करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत का एक ख़ास यानी टिपिकल एक पैटर्न है लेकिन इस पर अगर आप ये कह सियालकोट ने हमें क्या दिया तो सियालकोट ने सबसे पहले हमें इलामा इकबाल दिया इलामा इकबाल वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का ख़्वाब देखा इलामा इकबाल वो है जिसे बड़े सगीर का सबसे पहला दानश्वर ये जो आ, आपकी इंडिपेंडेंस की जो इरा है यानी बीसवीं सदी इसमें वो बहुत बड़े शायर और थिंकर फलासफर के लाए और वो सियालकोट की देन है बाकी तो आप छोड़े ना कि क्रिक्टर कौन सा दिया जहरबाज़ उससे बड़ा करेक्टर एक जमाने में एशियन ब्रैडमैन कौन था सियालकोट ने दिया आ, एक्टर बेशुमार दिए और बेतहाशा चीज़ें हैं और ये कोई आ, किसी शहर से आपको कुछ ना मिले तो वो शहर आप क्या गिवअप कर देंगे बस बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर वाक़ है आ, अगर आप कहिए कि ये शहर हमें कुछ नहीं दे रहा तो इंडिया को दे दें इंडिया तो खैर बड़ी दूर की बात है कोई इससे भी बड़ा दुश्मन हो तो हम उसको एक इंच जमीन ना दें तो मुझे ये बड़ा शख्स घटिया लगा इस रिमार्क्स की वजह से यही वो बस यही वो बदजुबानी है हज़रत अली का कॉलर इंसान अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता तो ये जो उनकी ज़ुबान है इसने इनको मरवाया है नौ मई जैसे वाक़ समझ लें कि इससे भी संगीन वाकत हुए हैं पाकिस्तान का दो लफ़्त होना यकीन तो आपने एक बहुत बड़ा आसान है और मई उससे कम नहीं कि आपने पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इदारों के ऊपर हमला किया और उन्हें रिडिक्यूल किया और आज भी कर रहे हैं तो इससे ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जा सकता और फिर अगर इस हवाले से कोई एक्टिविटी होती है तो फिर उन्हें लगता है कि इनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं चूंकि इलेक्शन का माहौल है, है जलसे हो रहे हैं हर जगह बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं गिरफ्तारियां भी हो रही हैं कल जितने लोग गिरफ्तार हुए आ, वो सारे रिहा हुए लेकिन कराची का इलाका है एन ए एक सौ सताईस और नाजमाबाद दो में पीपल्स पार्टी और एम की दो रैलियों में तदादम हो गया वैसे तो कराची में इंतहा के दौरान लड़ाइयाँ नॉर्मल है एक जमाने में हकीम क्यूम की बड़ी लड़ाई थी कराची तीन तलवार पर एक रैली निकाली गई चले रैली बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो जो ट्रैफिक इन्होंने सारा जाम कर दिया क्लेफ्टन की तरफ जाने वाला और इधर आने वाला तो उससे आवाम बड़ी परेशान हुई तो फिर ये पुरामन रैली कैसे हो कि आप रास्ते बंद कर दें पुरन रैलियाँ ये नहीं होती कि आप रास्ते बंद कर दें आप गलियाँ बंद कर दें आप गाड़ियों को रोक दें उसमें मरीज़ हो उसमें एमरजेंसी के लिए लोग जा रहे हो किसी कोई वजह से किसी को किसी जगह जाना है वक्त पहुँचना है और आप अपनी रैली के लिए सबको ब्लॉक कर दें तो फिर ज़ाहिर है पुलिस पहुंचती है उसने जमा नहीं होने दिया और तेरिकन साहब कहती है हमने दो जगह जमा होने की इजाज़त मांगी थी हमें नहीं दी गई दे देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई खैर वही माइट इज राइट वाला मामला है कि वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया लाहौर में भी किया आ, बहुत सी जगहों पे आया लाहौर में लिबर्टी में कुछ लोग जमा हुए वो गिरफ़्तार हुए आज सारे रिहा हो गए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि कल इतवार के रोज़ जिसको गिरफ़्तार किया गया हो आ, उसको ज़माना न मिल गया तकरीबन तमाम लोग जितने कारकुन पकड़े थे वो रिहा हुए दिलचस्प बात ये थी कि बहुत से इलाकों में तरीकान साहब के उम्मीदवारों ने पुलिस से दरख्वास्त करके खुद को गिरफ़्तार किया अभी हमें पकड़ लो भाई क्योंकि अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो एक तो रैली में लोग नहीं आए ना काम हो गए तो सौ दो लोगों के साथ रैली निकालना वो ज़ाहिर है वो वैसे बेजती की बात होती है तो इससे ज़्यादा लोग जमा भी नहीं हुए पेशावर में भी जितने लोग जमा हुए ज़्यादा लोग थे पेशावर में जो लोग पकड़े गए उनको आज पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि खबरदार किसी को पकड़ा हो तो आपको पता पेशावर हाई कोर्ट अपनी कोर्ट है तो उन्होंने वहाँ पर रिहाई दे दी तो जो कराची में हुआ एक तो तीन तलवार पे यह वाक़ हुआ दूसरा वाक़ पीपल पार्टी और एम के एम पद साजम नाजमाबाद दो में हुआ जहाँ पे डेलियाँ आमने सामने आ गई और फिर इसमें कारकुनों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो कुर्सियों से हमला किया फिर वो लाते मुक्के घोंसे चल गए फायरिंग भी हुई तो एम के एम का एक सेक्टर इंचार्ज मुबैना तौर पर इसमें मारा गया है यूनिट इंचार्ज कह लें आ, सेक्टर इंचार्ज नहीं तो उसके बारे में एम के एम ने दावा किया कि वो उसमें मारा गया इसके बाद एहतजाज हुआ एम के वालों का उन्होंने दो गाड़ियाँ जला दी तो ये आ, जो शख्स मरा यूनिट इंचार्ज उसके सर में गोली लगी तो इस में असले का खुला इस्तेमाल हुआ अब पुलिस जो है वो इसके ऊपर जो वहाँ पर मौजूद थी इस एक्शन को रोकने में नाकाम रही तो आज इसके ऊपर एम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस वाकई की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है और एम के एम तो ये भी कह रही है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं और इससे भी ज़्यादा सख्त एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं और कराची का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है तो ये कराची के जो हालात हैं ना वो खासे फलेरप हो रहे हैं और पीपल पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हमें नाजमाबाद दो में कम्पेन नहीं करने दी गई तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है वो पीपल पार्टी भी शिकायत करती हुई दिखाई दे रही है और उनका कहना ये कि चूंकि एम क्यूम जो है वो मुस्लिम नून की इतहादी है और मुस्लिम नून जो है वो इस वक्त निगरान हुकूमत एक यानी इनके साथ बड़ा ताल्लुक है तो उस वजह से हकूमत के कहने पर हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई है तो इसके अलावा मस्तूम और कलात में उम्मीदवारों के दफातर पर मुबैना तौर पर दस्ती बमों से हमले किए गए हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनका मैं अभी नाम लूँ फर्दन फर्दन तो शायद बड़ी लंबी डिटेल हो जाए जहाँ पर उम्मीदवारों की और आ, कारकुनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं लाठियाँ चल रही हैं और ये ये मामला मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा एन ए एक सौ तीस नारकली में जलसे के दौरान एक शख्स पकड़ा गया है मुशतबा शख्स जिससे एक नाइन एम एम पिस्टल बरामद हुआ है और इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है आ, पुलिस ये कहती है कि मुशतबा शख्स असला समेत पंडाल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अब ये उनका अपना आदमी था या कोई और आदमी था लेकिन पकड़ा गया और इसी इलाके में नवाजशिफ साहब जलसे कर रहे हैं आज भी उन्होंने नारकली में पी पी के एक दफ्तर का अफ्ताह किया है तो वहाँ पर असला बरदार शख्स की मौजूदगी तो खुदा नास्ता कोई बड़ा सारा भी हो सकता था लेकिन उससे पहले ही मुसल्ह शख्स को पकड़ लिया गया रान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ईरान सरहद पर दहशत गर्दों को तीसरा मुल्क सहूलत फराम कर रहा है पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी वजे ख़ारजा ने पाकिस्तान के निगरान वजी खारजा जलील जिलानी से मुलाकात की और दोनों ने इस बात पर इतफाक़ किया कि पाकिस्तान और ईरान दहशत गर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देगा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने बताया कि दोनों मालिक के दरमियान मजबूत तल्लत है और ये जो मामला है दोनों मुल्कों के दरमियान दहशत गर्दी का या उस जगह का जहाँ पर ये वाकियात पेश आ रहे हैं आ, इसको तीसरा मुल्क सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान तो ईरान ने वह तौर तो पर इसको तीसरे मुल्क की साजिश करार दिया है और पाकिस्तान ने इस इतफाक़ किया है आज चार ममालिक है वो अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान ईरान चीन और रूस आ, ये एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसमें तालिबान के साथ मिलकर तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर ख़त्े में चीज़ों को बेहतर बनाना वर्किंग रिलेशनशिप और कोर्डीनेशन इसके लिए ये ग्रुप बना था जो कि अब एक्टिव हो रहा है और वजह ये कि इस बात पर सबको बड़ी तश्वीश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से हुकूमत आई है बहुत से दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं उनकी सरपरस्ती की जा रही है और अफगानिस्तान से दूसरे मुल्कों में ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जा रही है तो इसी वाले से ये पहली बार हो रहा है जब से तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं इकतदार में आए हैं कि पहली बार तो रूस और आ, किसी भी बड़े मुल्क के चाइना के लोग जो है वो तालिबान के साथ गुफ्त शुद्द करने के लिए जा रहे हैं और बाकायदा मुजात हो गए वैसे तो तालिबान को समझाना बड़ा मुश्किल काम है इससे पहले बिन लादन भी तालिबान के पास थे तो उन्होंने आ, कोई बात नहीं मानी थी और उसके बाद एक बीस बाईस साल जो है उन्होंने खाना जंगी में गुजार दिए और अब बात करते हैं साइफर केस की इमरान खान और शाह मुख्रैशी के ख़िलाफ़ अंड्याला में साइफर केस की समात हुई उस दौरान एक बार फिर जो है वो इमरान खान और शाह मुखी ने जेल के अंदर आ, या समात के दौरान हंगामा रही की आ, मामला वही कि आज भी इमरान खान के और शाह कुरशी के वकला अदालत में पे पे पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनको आ, सरकारी वकूला फराहम किए हुए हैं तो आज सरकारी वकूला एक बार फिर आ, जब केस की समात के लिए खड़े हुए तो शाह कुरेशी ने रौला पा था और इमरान ख़ान ने भी शोर मचा दिया कि हमने आ, इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये हमारी वकालत नहीं कर सकते ना ही हमारी तरफ से वकला पर ना ही हमारी तरफ से मुलजमान पर जिरा कर सकते हैं गुजशत समात पर भी इमरान खान और शाह कुरशी की जज से बदतमीजी का वाक़ पेश आया था आज फिर खसूसी अदालत के जज अबूनात जुलकर के साथ बदतमीजी की गई प्रसिक्यूटर जुल्फकान नकवीर उमर अता और उमर ये अदालत पहुँचे जबकि सरकारी वकील और शाह मुख की अहलिया और बेटी भी डिया जेल में मौजूद थी इस मौके पर आवाम और गवाह भी मौजूद थे समाज शुरू हुई तो आजम खान अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे जिसके बाद माहौल नाशगवार हो गया शाह कुरैशी और इमरान ख़ान गुस्से में आ गए और आज़म खान के स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस पर कुछ देर के लिए जज को कार्रवाई मुतल करना पड़ी उसके बाद फिर दोबारा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने गवाहान पर जिरा की तो सफाई की आदम दस्याबी की वजह से अदालत ने मुलमान को सरकारी वकील यानी स्टेट डिफेंस कौंसिल फराम की है जिस पर दोनों मुलजमान ने इतराज़ किया था तो शोर शराबे के बावजूद बावजूद जो है आजम वहाँ पर जरा का अमल मुकम्मल हो गया ये अब तक के इतना ही आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में अपना लोग बहुत ख्याल रखें